बाबा बाबा कुछ भिक्षा देते हुए जाइए बाबा, बाबा कुछ भिक्षा देके जाइए बाबा, बाबा बाबा इस भिखारी को कुछ भिक्षा देके जाइए बाबा। तो बहुत ज्यादा भिक्षा मिली है, पेट भर के खूब अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा। ये क्या है? इसके एक तरफ देख रहा हूँ मैं राज मुकुट पहने हुए एक महावीर योद्धा और दूसरी तरफ भयंकर दिखने वाला एक राजा सोने के सिंहासन के बदले पत्थर के सिंहासन पर बैठा है। राजा की आंखें भी तो देख रहा हूँ कि नीले रंग की हैं। बाबा रे ये सब मेरे लिए लेकर आए हो, जानते नहीं हो ये सब हीरे जवाहरात मेरे कोषागार में बहुत हैं, लेकिन कहाँ है मेरा वो नील नक्षत्र मुद्रा जो मुझे हजारों वर्ष की उम्र देगा, विश्व विजेता का सम्मान देगा। महाराज हमने उस मुद्रा को हर जगह ढूंढा पर हमें कहीं नहीं मिली। महाराज महामूर्खो पूरा देश घूम के तुम ये बिना काम में आने वाला धन लेकर आए हो, जानते नहीं हो धन के प्रति मेरा इस राजा नील वर्मा का कोई लोभ नहीं है। मैं चाहता हूँ नील नक्षत्र मुद्रा। मैंने सुना है कि वो मुद्रा कैलाश राज में है। महामूर्खो उस राज्य में तुम लोग प्रवेश भी नहीं कर पाए ऐसा लग रहा है। महाराज वो बहुत ही दूर है, बर्फ से ढका हुआ है पूरा, और वहाँ के सैनिकों से हम युद्ध नहीं कर सकते। हमारे एक चौथाई सैनिक युद्ध में ही उसी वजह से मर गए हैं। महाराज वहाँ पर जाना मुश्किल है, नामुमकिन है महाराज, और वो मुद्रा पा लेना बहुत ही असंभव लग रहा है। महाराज कौन कहता है कि यह असंभव है? मैं राक्षस वंश का महाप्रतापी नील वर्मा हूँ, मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। कैलाश राज में पहुँचने का गोपनीय रास्ता जानते हैं राजगुरु शुक्राचार्य। गुरुदेव आप राक्षसों के कुल गुरु हैं, दया करके मुझे बताइए कि मैं कैसे वो नील नक्षत्र मुद्रा प्राप्त कर सकूंगा। वो मुद्रा तुम्हें नहीं मिल सकती नील वर्मा। क्यों गुरुदेव? उस मुद्रा पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम जोर जबरदस्ती करना चाहो तो तुम्हारी मृत्यु अटल है, तुम्हारे पूरे वंश का विनाश हो जाएगा। अगले 16 जन्मों तक तुम्हें रास्ते पर भिखारी की तरह भटकना पड़ेगा। वो मुद्रा सत्य शिव और सुंदरता के पुजारी की है, तुम्हारे जैसे लोभी के हाथों नहीं पड़ेगी। तुम्हारी प्रजा भूखी है, तुम्हारे राज्य के कोने कोने में गरीबी है, खुद के लोभ को पीछे रखकर राज्य की खुशहाली के लिए प्रयत्न करो। क्या इतनी बड़ी बात? सेनापति इस ढोंगी कुलगुरु को इसी वक्त मेरे सामने इसका सर धड़ से अलग कर दो। राजगुरु जी का सिर छेद करना है? हाँ करना होगा, नहीं तो राजा की बात नहीं मानने पर तुम्हें भी सजा मिलेगी। Thank you.
इतने सारे सैनिक लेकर राक्षस राज यहाँ क्यों आ रहे हैं? लगता है कि हमारे राज्य पर आक्रमण करने आ रहे हैं। अभी जाकर महाराज को सूचना देता हूँ। क्या बात है सेनापति, आप इस तरह से परेशान क्यों लग रहे हैं? महाराज राक्षस राज नील वर्मा विशाल सेना के साथ हमारे राज्य की ओर आक्रमण करने आ रहा है। महाराज, तो हम हमारी सेना को तैयार होने के लिए कहते हैं। हम जानते हैं वो हमसे हमारा नील नक्षत्र मुद्रा छीनना चाहता है, परंतु वो छीन नहीं पाएगा और ये मुद्रा ही उसके विनाश का कारण बनेगी। तो अब हम क्या करें महाराज? द्वारपाल से कहो वो नगर का प्रवेश द्वार खोल कर रखे। जब शत्रु की संपूर्ण सेना नगर में प्रवेश कर जाए तो उसे फिर से बंद कर दे। हम एक बार नक्षत्र मंदिर से घूम कर आते हैं। हे देवता, आज आप अपने इस नील नक्षत्र मुद्रा की रक्षा स्वयं करिए। देवता स्वयं करिए। देखो राक्षसों की सेना, देखो कायरों के दल ने नगर का दरवाजा खोलकर बिना युद्ध किए हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब कोई बाधा नहीं है। कोई बाधा नहीं है। आक्रमण करो, ध्वस्त करो राजप्रसाद को। नक्षत्र मंदिर से छीन के ले आओ मुद्रा। मैं अभी उसे अपने बदन की शोभा बनाऊंगा। मिल गया। ये नक्षत्र मुद्रा आज मुझे देगी अमृतत्व। ये क्या हो रहा है? बचाओ, कौन है, मुझे बचाओ। भागिए जल्दी भागिए। बचाओ, कौन है, मुझे बचाओ। मुझे सब कुछ याद आ गया है। ऐसा लग रहा है कि मेरे भिखारी होने का 16 जन्म पूरा हो गया है। हे ईश्वर, इस मुद्रा के लिए मेरे मन में कोई लोभ नहीं है। आज मुझे सचमुच में बोध की प्राप्ति हुई है।